हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़ूजर और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इसमें आप देखने वाले हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर हम इनपुट कैसे ले सकते हैं और कैसे भेज सकते हैं एक फॉर्म का इनपुट दूसरे फॉर्म पर। तो सीखने के लिए देखते रह जाइए। तो सबसे पहले अभी हम ले लेते हैं दो टेक्स्ट बॉक्स। तो दो टेक्स्ट बॉक्स को हमें लेबल देने के लिए लेबल भी ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेबल। तो ये हमने दो लेबल ले लिए, दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और दो बटन भी हम ले लेंगे, क्योंकि हमें बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा दूसरे फॉर्म्स ओपन होंगे और जो दूसरे फॉर्म ओपन होने वाले हैं उन पे हम ये कोडिंग करने वाले मतलब उन दूसरे फॉर्म का हमें वो डाटा लेना है। इसलिए अभी हम इनको ऐसे इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। ये आपकी तरह से अरेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेबल के नाम चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप देखते हो। लेबल के नाम चेंज करने के लिए यहाँ से आपको लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाना होगा। लेबल पे क्लिक करके रखिए, फिर उसके बाद में टेक्स्ट प्रॉपर्टी जाएगी और यहाँ पे अपने नेम सेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट वन यहाँ पे हम इसका नाम देंगे और अगले वाले का टेक्स्ट टू, तो ऐसा नाम दे देंगे। बटन को अभी हम दोनों को अगर सेम नाम देना हो तो दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अभी हम दे देंगे शो। तो ये हमको शो करेंगे। अभी हमने क्या किया है, अब जैसे ही हम शो पे क्लिक करेंगे हमारा दूसरा फॉर्म ओपन होना चाहिए, ऐसा हमको एप्लीकेशन तैयार करना है। तो इसलिए हमको नए फॉर्म ऐड करने होंगे दो, क्योंकि हम दो फॉर्म पे वो तैयार करने वाले हैं। आप दो या तीन, एक दो कहीं इतने भी ले सकते हो। तो नया फॉर्म ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हम जाएंगे, फिर वहाँ से यहाँ पे हम विंडोज फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। विंडोज फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे फॉर्म टू ऐड हो गया और एक बार हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमें दो फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म टू और थ्री हमने नए ऐड किए हैं। तो वापस से फॉर्म वन पे आएंगे तो शो पे डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें शो पे कोडिंग करना है। तो देखिए शो पे क्लिक करने के बाद अभी हमें यहाँ पे क्या डालना है, जैसे हम बटन वन पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमें फॉर्म टू शो होना चाहिए। तो शो देखिए पहले फॉर्म टू लिखेंगे, तो आई एम फॉर्म टू डॉट SHOW शो बराबर है SHOW फॉर्म टू डॉट शो। तो ऐसा हमारा एक फॉर्म टू कॉल होगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, जो टेक्स्ट फॉर्म टू में होगा मतलब फॉर्म टू मतलब अभी देखो जो टेक्स्ट फॉर्म टू में होगा मतलब फॉर्म टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अभी हमने फॉर्म टू में तो कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ली नहीं, तो सबसे पहले अभी हम फॉर्म टू और थ्री में टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए हमें फॉर्म टू पे जाना होगा, फिर फॉर्म टू को जाके हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे डाल दिया ऐसा और एक और बार ऐसा ही। अभी तो ही हम यहाँ पे बटन वगैरह कुछ ले नहीं रहे हैं, तो इसके लिए हम अलग दो टाइप देखने वाले। बिना यहाँ पे बटन ऐड किए भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे बटन ऐड करके भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी ऐसा देखने वाले, तो शो पे जाइए। तो देखिए अभी फॉर्म टू के टेक्स्ट बॉक्स वन का टेक्स्ट कहाँ पे आना चाहिए, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में क्या है हमारा टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट बराबर। तो ऐसा ही करते और वो करते ही फॉर्म टू गायब होना चाहिए। तो फॉर्म मतलब जैसे हम दूसरे इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म टू हमारा गायब होना चाहिए ना। तो इसके लिए मतलब बाकी फॉर्म हमको दिखने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम फॉर्म थ्री डॉट हाइड करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे फॉर्म दिखाने नहीं है ना। तो ऐसे ही कोडिंग सेम हमको बटन टू में भी करनी है। तो उस पर डबल क्लिक करिए,
वहाँ पे डालिए और सेम तो नहीं होगी, लेकिन अभी यहाँ पे बटन टू पे क्लिक करने के बाद हमें फॉर्म थ्री दिखाना है, इसलिए हम फॉर्म थ्री करेंगे। तो फॉर्म तो यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स टू हो जाएगा क्योंकि हमने सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स पे ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम फॉर्म थ्री करेंगे। तो फॉर्म थ्री पे तो एक ही टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए वो एक ही आया, तो फॉर्म टू डॉट हाइड करेंगे। इधर देखिए कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हमने, बहुत सिंपल तरीके से कोडिंग की है। तो अभी हम देखते हैं रन करके, पहले इसको सेव कर लीजिए और रन कीजिए। रन करने के लिए F5 प्रेस करिए, तो उसके बाद अभी ये रन हो जाएगा। तो देखिए आ गया। तो जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया विंडो ओपन होगा जो होगा फॉर्म टू। यहाँ पे अगर हम कुछ लिखेंगे तो, और फिर से इस शो पे क्लिक करेंगे तो फिर ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। और जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया इस शो पे तो ये विंडो गायब होके फॉर्म थ्री आ जाएगा, देखिए बराबर। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ तो वो भी वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था बहुत ही सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हमें इस अभी देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखा तो हमारा वो टेक्स्ट यहाँ पे जाना चाहिए, फॉर्म टू पे जाना चाहिए। तो अगर ऐसा करना होगा तो सिंपल है उसकी भी कोडिंग। सिंपल क्या करना है, देखिए ये फॉर्म टू यहाँ से हटाना और इसको ये डालने का, मतलब हमें क्या करना है, मतलब दूसरे फॉर्म से इस फॉर्म में लाना है, या नहीं इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म को हमें वो ले जाना है ना। तो इसके लिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर्म थ्री पे एक ही टेक्स्ट बॉक्स है और फॉर्म वन पे दो टेक्स्ट बॉक्स है, हो गया। तो ये फिर से क्यों एरर बता रहा है मुझे, यहाँ पे हमने फॉर्म थ्री मिटाया नहीं था। तो ये हो गया, रन करेंगे तो अभी आप चेंज देखो। अभी पिछली बार क्या किया था हमने, पहले शो पे क्लिक किया था फिर टेक्स्ट डाला था फिर वो टेक्स्ट यहाँ पे आया था, अभी हम यहाँ पे ही टेक्स्ट डालेंगे। अगर हम शो पे क्लिक करेंगे तो जो भी विंडो आएगी फॉर्म टू की तो वहां पे ये टेक्स्ट ऑलरेडी होगा, देखिए आ गया। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ अगर डालेंगे तो ये भी वहां पे आ जाएगा, देखिए चेंज करके आपको बता दो, देखिए आ गया। तो ऐसा हम करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल से सिंपल फॉर्म का डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें आपको सिर्फ दो ही, मतलब एक ही लाइन का कोड है, कुछ दो लाइन भी बोलने के वो लाइकी का कोड नहीं है, वो एक लाइन ही बोलने का लाइकी का कोड है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको समझिए क्या है इसमें और कैसा किया है। जैसे फिर आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या होता है। इधर देखिए जैसे हम बटन वन पे क्लिक करते हैं उसके बाद फॉर्म टू हमारा शो होगा जो ये होगा, और जैसे हम फॉर्म टू शो होने के बाद जो टेक्स्ट हमने मतलब जो टेक्स्ट हमें फॉर्म टू के टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा, फॉर्म टू के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो हमारा इस फॉर्म वन के टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, समझेगा। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो फॉर्म वन का टेक्स्ट है ना तो वो फॉर्म टू के टेक्स्ट बॉक्स में जा रहा है, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। मतलब पिछली बार जब हमने कोडिंग किया तो ये हो रहा था कि फॉर्म टू का टेक्स्ट फॉर्म वन पे आ रहा था, अभी इस बार क्या हो रहा है, फॉर्म वन का टेक्स्ट फॉर्म टू पे जा रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है। तो देखिए इसे, बहुत ही सिंपल कोड है। अगर आपको इसमें भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे जरूर कमेंट करिए, तो मैं उसका 100% आपको आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू, धन्यवाद। बस धन्यवाद, जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो बस बाय।